इसके अलावा बैंडेड क्वीन मेकिंग के दौरान कई बार शेखर कपूर साहब ने आपसे भी सलाहें ली, क्योंकि वो राजस्थान का पूरा सेटअप था, आप जानते थे करीब से, तो वो कुछ मैंने आपके इंटरव्यू में पढ़ा है, अगर आप बता दें तो बेहतर रहेगा। हाँ, मतलब कई बार तो नहीं, क्योंकि हम तो बहुत, मैं बहुत छोटा था और भय लगता था शुरुआत में कि भाई इतने दिग्गज निर्देशक हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और पूरा आधी विदेशी टीम थी बीबीसी की वहाँ पर, टेक्नीशियन से लेके असिस्टेंट बहुत सारे, तो लेकिन वो इतने सरल और जीनियस आदमी हैं कि उनको मालूम है कि आप जब तक एक्टर से किस तरह से आपको बात करनी है, शायद उसका अंदाज़ा उनको बहुत अच्छी तरीके से है, था जब मेरा, जो मेरा अनुभव है, तो उन्होंने मुझसे, एक सीन था जहाँ पर पंचायत बैठती है और फूलन को पहली बार एलिगेशन लगाया जाता है, फूलन के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, तो वो सीन की सेटिंग हुई थी, और जिसमें एक तरफ बड़ी जाति के लोग और एक तरफ छोटी जाति के लोग बैठे थे, और तो ऐसे ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वो कुछ एक्सपर्ट राय मुझसे मांगी गई, तो उन्होंने वैसे ही कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाते थे। अच्छा। और बोले, गजराज जी ठीक लग रहा है, तू तो गांव का है ना, ये ठीक हो रहा है? तो मैंने बड़े डरते डरते बोला कि सर मैं, ये धौलपुर से कुछ ही 100 किलोमीटर होगा, और मैंने अपने गांव में देखा है कि जो कि बड़ा एक मतलब अनचाही चीज़ है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता ये है कि बड़ी जाति अगर बैठी है तो छोटी जाति को अपने पास फटकने नहीं देंगे, वो एक धरातल पे नहीं बैठने देंगे। और मैंने जो देखा है पंचायत वंचायत होते हुए, जब मैं गांव में छुट्टी में गया हूँ, तो वहाँ पर तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है सर, ऐसा नहीं होता है, वो जैसे ऊपर बैठे हैं तो फिर वो ठाकुर हैं तो इधर थोड़ी ऊंचाई पे उनका बैठने की जगह होगी, और फिर एक तरफ उनकी चप्पलें लगी होंगी करीने से, और एक तरफ नीचे की तरफ कहीं पे छोटी जाति के लोग होंगे और वो उकड़ू होके बैठेंगे। अच्छा, वो एकदम से बोले, फिर उन्होंने 2-3 लोगों को बुलाया कि गजराज ये बोल रहा है, और लोगों ने बोला हाँ सर होता तो ऐसा ही है, और जो शायद जो चीफ असिस्टेंट थे, एक दो लोग थे, उनको बड़े, उनके चेहरे पे दिख रहा था कि यार ये क्यों खामखामे इसने ये अपना ज्ञान दिया, क्योंकि टाइम ज़ाया होता है ना। तो फिर वो 2-3 घंटे लगा कि वो शॉट रेडी हुआ था, लेकिन शेखर जी ने तुरंत वो अशोक मेहता जी को बोला कि भाई ये सेटअप चेंज करना है। तो फिर वो मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि इतना बड़ा निर्देशक है जो कि एक अदने से एक अभिनेता की बात सुनने को तैयार है, मानने को भी तैयार है, और मैं, और आपकी जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है फिर उसकी, आप जब सलाह दें तो वो बड़ी उचित होनी चाहिए, वो हवा में नहीं होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करता रहा, उसके बाद जब भी एक आध बार कुछ और मौका आया कि उसको बड़े संजीदगी से सामने प्रेजेंट करो, और ज़िंदगी भर भी उसके आगे भी, क्योंकि आपकी बात को कोई अगर मान रहा है तो आप उसको ऐसे ही इम्प्रेशन जमाने के लिए ऐसा नहीं बोल सकते।